ये देखो एक नोट, ये एक का देखो कोने वाला हिस्सा ही गायब है ना। क्या ढूंढा जा रहा बैग में? नेल कटर चाहिए यार। ये ना, ये खुल नहीं जाती है। देखिए भाई साहब जी का नेल कटर खो गया, मेरे को लग रहा है छोटू ने निकाल लिया होगा। पता नहीं यार क्या किया। और यहाँ चल रही है वीडियो एडिट, एडिट हो चुकी है और रेंडर हो रही है, जो कि करीबन 66% हो चुकी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड इवनिंग हो रही, टाइम बताइयो। और 6 बजने में ऑलमोस्ट टाइम है 5 मिनट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने घड़ी नहीं उठाई अंदर से, घड़ी उठानी है यार। मेरी वॉच का ना स्ट्रैप, हाँ वॉच का स्ट्रैप टूट गया है। पता नहीं कल नाश्ते नाश्ते स्ट्रैप इधर घड़ी उधर, तो मैं सोचो यहाँ से स्ट्रैप मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो अभी मेरे पास घड़ी नहीं है। बात सुनिए ना, नहीं तो मोटी टेप नहीं आती है, ले लेते हैं। चिपका दूँ आपको ऐसे, रख के ऐसे टेप मार देंगे। वाह वीरे वाह, मेरे को ऐसे दोस्त चाहिए। और आज की हमारी आखिरी शाम है यहाँ पर, और ये शाम आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूँ सामने कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो सारे के सारे बैग पैक हो चुके हैं, बंदे भी पैक हो चुके हैं, रेडी हो ना भाई? भाई रेडी, फुल रेडी है। तेरा बैग कहाँ है? मेरे रूम में रखा है। ओके, और एकदम मैं भी रेडी हो चुका हूँ, बस निकलने की तैयारी है। फ्लाइट है 9 बजे की, अभी अपन सोचे बागा बीच जाते हैं या कहीं शैक वैक पे बैठ जाते हैं, खाते हैं पीते हैं। 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचेंगे, चेकिंग वेकिंग कराएंगे, बिकॉज इसके बाद ड्रोन भी है, तो 2 घंटे पहले पहुँच जाएंगे तो बढ़िया है। रात को 12-1 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो ये हम लेके आए थे कल, तब से जेब में पड़े हुए हैं, लगाए नहीं हमने अपने क्रॉक्स पे। अब मैं सोच रहा हूँ एक पे सारे लगा दूं या तीन इस पे तीन इस पे, अलग अलग, एक पे दो एक पे चार करते। मेरे को तो लग रहा है कि अच्छा एक पे दो एक पे चार करते हूँ, वो सही रहेगा। ये जितने छेद दिख रहे हैं ना, सारे के सारे भरने हैं, लेकिन धीरे धीरे। दिल्ली में ना ये पासपोर्ट वाला नहीं मिल रहा था, यहाँ पर ये पासपोर्ट वाला मिल गया। और वो जो कार्टून बनाया, पासपोर्ट की सलाह मैंने खुद दी थी अपने आप को, तूने दी थी क्या? मैं क्या बोलता रहता है बड़बड़ा को, बड़बड़ाने की आदत गई नहीं इसकी क्या? क्यों भाई क्यों बड़बड़ा रहा है सुबह सुबह? नहीं दोपहर के फोन दो रहे हैं भाई, पहले दिन मेरी भी टूट गई थी, मैं भी ऐसे करते रहता हूँ और दिखाई नहीं देता कुछ। तो घड़ी टूट गई, अब टाइम देख नहीं सकता, पॉकेट में रखी हुई, दोपहर के 1:45 हो गए। चेकआउट हमने कर लिया, सामान हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर कार्ड से पेमेंट नहीं होती है, कह रहे कैश ही करनी पड़ेगी। अभी जा रहे ATM, कैश है हमारे पास, मतलब यहाँ का निपटा सकते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं जरूरत पड़ी कैब करके एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पर कुछ खाना पीना हो, क्योंकि खाना पीना तो अपना चलता ही रहता है। चलो चलो चलो, बाय बाय गोवा। बस एक यही रह गया था गोवा में ट्रिपलिंग करके घूमना। एक्चुअली प्रमोद भाई पता नहीं सुबह से कहाँ गए, स्कूटी लेके, स्कूटी एक ही रह गई है, और हम जहाँ जाते हैं साथ में ही जाते हैं, बस इतना ही बताना चाहूँगा। ये आराम से गिर जाएंगे।
ये देखो भाई साहब, एटीएम से ये नोट निकले हैं। एक मिनट, चूहा है क्या इसके अंदर? ये फटा हुआ, इसका कोने का हिस्सा ही नहीं है। मैं रुपए देख लेता हूं। और ये देखिए देखिए पीछे वाला नोट फटा हुआ। ये क्या हो रहा है? चूहा चूहा है क्या? मैं इसे खोल के देखे जरा। चूहा नहीं है भाई, कुछ और ही चक्कर है। और मैं अपना नहीं बता रहा, उन भाई साहब का भी फटा हुआ निकला। आपका भी नोट फटा हुआ निकला ना, दिखाना वो वाला नोट। दिखा 3-4 हज़ार दिखाना, वो वाला नोट दिखाना फटा हुआ। ये देखो एक नोट, ये एक का तो वो कोने वाला हिस्सा ही गायब है ना साला, इधर ही फाड़ के उड़ा के जाएगा बैंक को। ये कोने का हिस्सा ही नहीं है। अब मेन दिक्कत पता है कि आप रिजॉर्ट वाले ने मना कर दिया कि हाँ भाई ये नोट नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, मतलब टाइम खराब अलग और ये नोट चला ही ना। तो बिल्कुल कहते हैं ना रद्दी हालत में, इसमें ऑप्शन भी नहीं था। एक्चुअली जो बंदा पहले बाहर निकला ना, उसने बताया कि मेरा एक नोट फटा हुआ निकला जिसको मैंने अभी दिखाया। तो मेरे को लगा शायद हो सकता है एक आधा नोट फटा हो, फिर मैंने निकलवाया। मैंने कुलदीप को बोला भी था अगर ऑप्शन आता ना तो 500-500 में निकलवा दे। वो सही चल रहा है, दो नोट हमारे भी निकले, दो नहीं मेरे तीन खराब निकले, एक फटा हुआ, एक का कोने का हिस्सा नहीं, एक बिल्कुल मुचड़ा सेम वैसा ही निकला। पता नहीं क्या होगा। पहले हमने क्या प्लान किया था ना कि गोवा आके गाड़ी लेंगे, फिर सारा प्लान कैंसिल कर दिया भाई। घूमेंगे तो स्कूटी पे, क्योंकि दिल्ली में भी गाड़ी में घूमते रहते, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ, अभी जयपुर भी गाड़ी पे घूम के आया। कामयाब भी नहीं है, नहीं कामयाब है, लेकिन अपने को स्कूटी वाली फील चाहिए थी। हेलो, पीछे अंकल कैमरा देख के हेलो कर रहे थे। तो यहीं से हमने स्कूटी रेंट पे ली थी, अभी सामान यहीं छोड़ दिया। अभी अपन क्या प्लान कर रहे हैं, कैलनगुड चले, कैलनगुड चलते हैं, वहाँ शैक वैक पे बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। अभी अपने पास 2-3 घंटे हैं, 2-3 घंटे हमें स्पेंड करने किसी तरह, तो पेट भर के खा लेंगे और फिर वापसी आ जाएंगे। स्कूटी यहाँ पर जाएंगे, यहीं से कैब लेंगे और घर की ओर निकल जाएंगे। चले भाई, चलो। तू क्या मॉडल बन के खड़ा हुआ, फोटो खींचा है इंस्टाग्राम से? भाई कुलदीप पी रहे हैं अपन ने, तो यार कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक मंगाई, हमारी कोल्ड ड्रिंक आ रही है। बियर भी अंगूर से बनती है, बियर मतलब वो कह रहे हैं अंगूर और बियर सेम ही चीज है, तो दोनों साथ में चलेंगे। हमने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई, कुछ खाने के लिए मंगाया। रो बनती है ना, इसी से नशे करोगे आज तुम, इसी से बनती है ना बियर भी, तो मैं रॉ खा रहा हूँ। तो भाई एल्बर्ट भाई से मिलके ना दोबारा, मतलब वो कहते हैं ना पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये पिछले 4 दिन से मेरे को फ़ोन मार रहे हैं कि भाई आओ वाटर एक्टिविटीज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इस बार ना बिल्कुल मैं वो चिल मारने आया था कि हाँ भाई चिल वाला, सुबह पूरा दिन सोते रहो, रात को जाओ पार्टी करो। लेकिन ठीक है, प्रमोद भाई गए थे इनके पास, बहुत अच्छा इन्जॉय करवाया प्रमोद भाई को इन्होंने। प्रमोद भाई ने बहुत तारीफ़ भी करी आपकी कि भाई जो मज़े आपने दिलाए ना कोई दिला भी नहीं सकता। करेक्ट, बाकी ठीक है। एक बार फिर से मैं इनका नंबर ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को भी वाटर एक्टिविटीज़ करनी हो, कुछ भी, स्कूबा डाइविंग, पैरा सेलिंग और जेट्स की होती है, बनाना राइड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और चिकन बहुत बढ़िया बनाते हैं ये, साथ में फ्रूट, साथ में बियर, जो बोलोगे वो मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भाई को याद करना, और ना मज़ा आए ना भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ। भाई साहब इन चीज़ों को ना बहुत मिस करने वाले हैं, मतलब घर पहुंचने के बाद 2 या 3 दिन तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मतलब ये सारी चीज़ें ना दिमाग में घूमती रहेंगी, दिमाग में बजेगी रात रात में। लेकिन ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही, मैं रात को फोन करूंगा अगर नींद आई ना तेरे को भाई को, दोनों भाई अपने घर गाने में जाके नाचे। तो गोवा को बाय कहने का टाइम, एल्बर्ट भाई को बाय कहने का टाइम, और मैं अभी अपने कमेंट सेक्शन में बड़े सारे कमेंट पढ़ रहा था कि भाई 3-4 दिन से अपने अपना डायलॉग ही नहीं बोला। एक्चुअली गोवा की वाइब ऐसी है ना, यहाँ को ध्यान ही नहीं रहता, मतलब समझ ही नहीं आता कहाँ घूम रहे, कहाँ भटक रहे, कभी कहाँ बैठे, कभी कहाँ बैठे, पता नहीं लगता। सुबह 6-6 बजे घर आ रहे हैं, दोपहर को 2 बजे उठ रहे हैं, फिर निकल गए। लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, इनका पहली बार था कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, बेस्ट आया, मज़ा मज़े ही मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ आकर मज़ा नहीं आया ना, फिर तो यहाँ आना बेकार है। बाकी अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, हमारी फ्लाइट कितने बजे की? 9:30 की, 9:30 बजे की फ्लाइट है। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनाओ और छोटों को हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। गोवा
इन्होंने लगता है ज्यादा लगा लिया, कोई नहीं, होता रहता होता रहता है, नारियल पानी ज्यादा पी लिया। चलो बाकी अपनी कैब भी आ गई, निकलने की तैयारी करते हैं। तो भी अभी अपने साथ यहाँ पर छोटा सा धोखा हुआ है, ये विंडो बना रखी है, वेब चेकिंग मैंने करा रखी थी, मोबाइल यहाँ से अंदर डालने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से डालते ही नहीं, देखो क्या हुआ, आगे एक और विंडो है। मैडम भी हंस रही, मैं भी हंस रहा, मैं ये क्या हो गया, फिर साइड से मोबाइल चेक करवाया। तो अभी सामने चेकिंग चल रही है और कुलदीप के पास ड्रोन है। ड्रोन के साथ अक्सर इशू रहता है, मतलब दिल्ली से निकल रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वापसी दिल्ली में घुस रहे हो ना और कहीं पर भी चेकिंग कराओगे तो इशू रहता है। फाइनली ड्रोन का तो कोई पंगा नहीं हुआ, इसके पर्स में एक 20 का सिक्का पड़ा हुआ था स्पेशल, उन्होंने इसका पर्स खोला अंदर से, वो सिक्का देखा, उनको कैसे पता लगा 20 का सिक्का है? नहीं वो एक साथ है ना, कई नोट थे मेटल हो गए ना। ओके कुछ उन्होंने सोचा कुछ प्लेट हो कुछ कुछ वैसी चीज ना हो, हाँ तो उन्होंने निकाला 20 का सिक्का। फिर 20 का सिक्का आपको कहाँ से मिल गया, हमें तो मिल नहीं रहा, लेकिन ठीक है ड्रोन आ गया ना अपना, ड्रोन आ गया। लेकिन भाई इसके पास दो है, इसने दिया नहीं है उसको, हाँ तो दो सिक्के देख दे देना चाहिए तेरे को, कर सकता था ना, लेकिन वो ये ना दिल मानता नहीं, दिल कहते हैं दिल कंजूस है अपना, कंजूस साले कंजूस। कंजूस कह रहा है 10 का नोट दे दो, 20 का सिक्का मेरे से ले लो। ऐसे नहीं लग रहा वेल्डिंग करने जा रहा हूँ। ये तो इसका फाइनली दिल्ली वापस पहुंच चुके हैं। शक्ल मुझे नहीं पता, नज़र आ रही है गोरी आ रही है काली आ रही है, बिकॉज इस गाड़ी में येलो लाइट है, अब जितनी इससे नज़र आ रही है, मतलब बात मतलब वक्त की नज़ाकत को समझो, खाली हमारी बातों की फीलिंग को समझो कि भाई ये जो ट्रिप था ना यादगार था, क्यों भाई? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मतलब इस ट्रिप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको लेके हम बड़ी सारी बातें कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, क्यों भाई, है ना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो वीडियोज़ पर देखने को नहीं मिली होंगी लेकिन वो हमारे दिल में रहेगी और उसको लेके ना हम कभी भी बात कर सकते हैं और इतना हंस सकते हैं उन बातों को लेके। दफन कर दिए हमने, दफन, हाँ वो दफन कर दिए वो चीज़ें ना सीने में, लेकिन ठीक है भाई दोस्तों के साथ ना यही मज़े होते हैं, जितना एंजॉय हमने इस ट्रिप में करा ना शायद ही किसी ट्रिप में किया होगा, क्योंकि भाई ये गोवा का ट्रिप था। देखो हम राइड पर भी पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, जैसलमेर गए हैं, मतलब ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ लोग गए भी नहीं है, लेकिन गोवा तो गोवा ही होता है। बाकी ठीक है, होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको ना यहीं पेंड करते हैं, थोड़ा इजी था, मतलब हाँ मज़ा भी आ गया और कंफर्टेबल था कि हाँ भाई जा रहे हैं, सोए पड़े हैं 11 बजे तक, सुबह 5-5, 6 बजे तक पार्टियाँ कर रहे हैं, जब नींद खुल रही है तब उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है मतलब जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ली तो लाइक करें बिना बिल्कुल नहीं जाना, और जिसको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता देना कि हाँ भाई मज़ा आया आपको नहीं आया। हालांकि मेरे को पता है मैं वीडियो उस ढंग से बना नहीं पाया बिकॉज मैं पूरे ना वो कंफर्टेबल वाले जोन में गया हुआ था, फिर भी जितनी बना सकता था आपके लिए बनाई, बस जाते जाते लाइक, बढ़िया सा कमेंट, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बनाइए, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।